महान क्रांतिकारी का शहादत दिवस है, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का युवा दधीची कहा था। दधीची की कहानी आपने सुनी होगी। एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी ऋषि थे, जब इंद्र का सिंहासन डोला और जब वृत्रासुर का पूरा आतंक पूरे देश दुनिया में छाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि केवल एक ही व्यक्ति दधीची ऋषि की हड्डियां मिले तो आप को इस वृत्रासुर के आतंक से बचाया जा सकता है। तो दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां जब दान मांगा गया तो हंसते हंसते दे दी थी। तो ऐसे क्रांतिकारी जतींद्रनाथ, जिनको जतीन दा कहा जाता था, बंगाल के क्रांतिकारी, जब वो शहीद हुए आज ही के दिन 13 सितंबर 1929 को, 63 दिन के लंबे अनशन के बाद, सत्याग्रह के बाद उन्होंने अपने प्राण छोड़े, अपनी शहादत दी। उनकी शहादत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये भारत के युवा दधीची हैं। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ, 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री बंकिम बिहारी जी था, माताजी का नाम सुहासिनी माता थी। बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। जब ये 14-15 साल के थे, 1904 में 27 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ, तो जब ये 15 वर्ष के थे, 1919-1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। बचपन से ही यह स्वदेशी के आंदोलन में कूद पड़े। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, बचपन में जब स्वदेशी का आंदोलन महात्मा गांधी चलाते थे, तो उस स्वदेशी के आंदोलन में जतीन दाह दुकानों के सामने जाते थे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करते थे। एक बार तो जब वो दुकान के बाहर धरना दे रहे थे, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लगभग 6 महीने तक उनको जेल में भी रखा गया। चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने जब आंदोलन वापस ले लिया, तो दोबारा से इन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और जो इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ पर इनकी क्रांतिकारियों से भेंट हुई। 1925 में काकोरी शौर्य दिवस हुआ था। काकोरी के खजाने पर को हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से बलपूर्वक वापस लिया था, जिसको अंग्रेज कहते थे काकोरी कांड, और ये कहते थे कि हमारे खजाने को लूटा गया, जबकि क्रांतिकारियों का ये मानना था कि वो हमारा धन था, वो तो हमने अंग्रेजों से वापस लिया है। तो इस काकोरी शौर्य दिवस में, काकोरी की क्रांति में जतीन दाह की प्रमुख भागीदारी थी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ, काकोरी शौर्य दिवस में। और इसके बाद जब 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था, उस बम को बनाने का काम भी जतीन दाह ने किया था। जतीन दाह बम बनाना जानते थे। उस समय वो बंगाल में थे जब भगत सिंह जी ने योजना बनाई कि ऐसा बम बनाना है जिससे कोई मरे नहीं और धमाका ज़्यादा हो। तो जतीन दाह को बुलाया गया और जतीन दाह ने वो बम बनाया था। बम बनाने के बाद पूरी काकोरी क्रांति के बाद और ये केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद पूरी अंग्रेजों की पुलिस सारे क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी हुई थी। इनको भी पकड़ लिया गया, जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये बहुत भीष्म प्रतिज्ञा वाले क्रांतिकारी थे। ऐसे क्रांतिकारी थे जो बहुत संकल्पवान थे, बहुत चरित्रवान थे। तो इनको जब जेल में इनको रखा गया, तो जेल में उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज कैदी हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, और ये जो भगत सिंह, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, ये क्रिमिनल नहीं थे। तो अंग्रेजों जेल के अंदर दो प्रकार के कैदी होते हैं, पूरी दुनिया में ये व्यवस्था रहती है। एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, क्रिमिनल प्रिजनर्स होते हैं। क्रिमिनल वो होते हैं जिन्होंने चोरी की, चकारी की, लूट की, बलात्कार किया, रेप किया या किसी की हत्या की। तो इनको, इन क्रिमिनल को ये माना जाता है कि इन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी की हानि की है और ये समाज में रहने के लायक नहीं है, तो इनको कठोर सजा दी जाए और इनके साथ सुधारने के लिए इनके साथ बुरे से बुरा बर्ताव किया जाए। और जो राजनीतिक बंदी होते थे, वो कौन होते थे? वो ऐसे जिम्मेदार लोग होते थे जो पूरी तरह से जागरूक होते थे और जिनके मन में एक संकल्प होता था कि हमें कोई बड़ा काम करना है, और वो देश की आज़ादी के लिए अनशन करते थे, सत्याग्रह करते थे, क्रांति करते थे। तो उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बोला जाता था। और पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था होती थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाती थी, उनको लिखने के लिए पेपर दिया जाता था, उनको जेल में आम क्रिमिनल से अलग रखा जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। और ये माना जाता था कि ये उच्च बुद्धिजीवी और उच्च दर्जे के लोग हैं और इनके साथ हम सामान्य व्यवहार नहीं कर सकते। तो जेल में जब वो गए, तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज क्रांतिकारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है, और जो भारतीय क्रांतिकारी हैं और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनकी जो ड्रेस है उनको महीनों तक धोया नहीं जाता, उनका खाना सड़ा हुआ दिया जाता है, तिलचक
तिलचट्टे और चूहे घूमते रहते हैं, उनकी बैरकों के अंदर कोई सफाई नहीं है, उनको ना चिट्ठी लिखने दी जाती है ना किताबें पढ़ने दी जाती है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम इसका विरोध करते हैं और उन्होंने कहा कि हम अनशन कर रहे हैं। जब भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने पहले अनशन किया और अनशन करने के बाद जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो फिर उन्होंने कहा कि और कुछ साथियों को तैयार होना पड़ेगा, उनको भी अनशन करना है। जतिन दा से पूछा गया कि आप अनशन करोगे, तो जतिन दा ने कहा कि मैं अनशन तो करूंगा लेकिन अनशन करने के बाद ऐसा नहीं कि दो दिन चार दिन बाद मुझे कोई कहे कि अनशन को वापस ले लो, या तो अंग्रेज झुकेंगे या मैं अपने प्राण दूंगा, मुझे आधा अधूरा अनशन नहीं करना, आधी अधूरी भूख हड़ताल नहीं करनी। भगत सिंह ने भूख हड़ताल की तो भगत सिंह ने जेल में कोर्ट में जाना भी बंद कर दिया। तो जज ने कहा कि भगत सिंह को पेश किया जाए, तो जेलर ने कोशिश की, पठानों को लगाया, तो लास्ट में जेलर ने जज के सामने ये कहा कि भगत सिंह को हम पीट पीट कर मार तो सकते हैं लेकिन उसकी मर्जी के बिना हम जेल से उनको लाकर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो क्रांतिकारियों को वैसे तो बहुत घटिया खाना दिया जाता था ताकि जेल के अंदर ही वो मर जाए, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की तो उनके सामने अच्छा अच्छा खाना उनकी बैरक में रखा जाता था, उनके लिए दूध रखा जाता था और उनको ललचाया जाता था कि भूख हड़ताल तोड़ दो। जब राजी खुशी या रजामंदी से या अच्छे तरीके से वो भूख हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार नहीं होते थे तो अंग्रेज क्या करते थे, उनको जबरदस्ती फोर्स फीडिंग करवाते थे, जबरदस्ती पठानों से जो खूंखार कैदी होते थे उनसे हाथ पकड़वा कर, पैर पकड़कर, छाती पर चढ़कर उनके जबरदस्ती मुंह के अंदर दूध डालते थे या लिक्विड डालते थे ताकि उनका अनशन टूट जाए। जतिन दा ने अनशन करना शुरू किया, केवल पानी पीते थे, कुछ भी पीते नहीं थे। लालच देने के लिए अंग्रेजों ने मिठाइयां उनकी बैरक में रखी, उनकी देखभाल करने के लिए छोटे भाई को बुलाया गया, उनके छोटे भाई आए तो छोटे भाई को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपको अनशन में मेरा साथ देना है, मुझे कुछ भी हो तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी केयर करनी है तो मेरे स्वास्थ्य की या मेरी जान की चिंता नहीं करनी, मेरे संकल्प की चिंता करनी है। ये अंग्रेज यदि मैं बेहोश हो जाऊं और जबरदस्ती मुझे ड्रिप लगाएं या इंजेक्शन दें या मुझे जबरदस्ती दूध पिलाएं तो तुम्हें मेरा साथ देना है, यदि तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो जेल में मेरे साथ रहो। अंग्रेजों ने उनके छोटे भाई को उनके साथ रखा, उनका अनशन चलता गया। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, सात दिन, मेडिकल साइंस फेल हो गया कि सात दिन के बाद यदि कोई खाना नहीं खाए तो वो रह नहीं सकता। तबीयत उनकी खराब होती जा रही थी, अनशन की खबरें जेल के बाहर भी जा रही थी, जेल के बाहर अंग्रेजों की खूब किरकिरी हो रही थी। तो अंग्रेजों ने उनको लालच देकर अनशन खत्म करवाने की कोशिश की, वो नहीं माने, उनको जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, जबरदस्ती दबाकर उनके मुंह में जब दूध डाला जाता था तो वो लेने से मना कर देते थे। तो बीच में उन्होंने क्या किया, एक जेलर ने थोड़ी सी चालाकी करते हुए पानी के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी मिलानी शुरू की जिससे अनशन में हालत ना बिगड़े और उनका संकल्प पूरा ना हो कि यदि हम प्राण दें तो प्राण दे पाए। तो जैसे ही जतिन दा को यह पता लगा कि इन्होंने पानी के अंदर कुछ मिलाया है तो उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया। जब अंग्रेजों को लगा कि ये तो अपने प्राण दे देगा तो उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, पठानों को बुलाया, जबरदस्ती उनको जमीन के ऊपर लेटाया गया और उनके मुंह में रबड़ की नलकी डाली गई ताकि नलकी के माध्यम से उनके पेट में, उनकी आंख में दूध पहुंचाया जा सके। उनको जबरदस्ती दबाया गया, उस खींचातानी में वो नलकी लेने के लिए तैयार नहीं थे। 63 दिन हो चुके थे, लगभग 60 दिन हो चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था लेकिन वो पूरा प्रतिरोध कर रहे थे। तो वो जो नलकी से दूध डाला, वो नलकी जो श्वास नली से होती, खाने की नली से होती होती जो आमाशय में जानी चाहिए थी, वो नलकी फेफड़ों में गई, दूध जबरदस्ती ठोंसा गया। उन्होंने खांसी करने की कोशिश की, बाहर निकालने की कोशिश की तो वो दूध फेफड़ों में चला गया। तो कुछ 3-4 दिन के बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तो जब उनको लगा कि अंतिम समय आ गया है तो उन्होंने साथियों के साथ, विजय सिन्हा के साथ, एकला चलो रे, वंदे मातरम ये गीत गाया, अपने छोटे भाई को खूब लाड किया और 63वें दिन आज 13 दिसंबर 1929 को उन्होंने अपनी शहादत दी। उनकी जो प्रतिज्ञा है वो बड़ी भीष्म थी, उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया, रास्ते में रात में कानपुर पहुंचा तो कानपुर में गणेश चंद्र विद्यार्थी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और हजारों की भीड़ ने उनके अंतिम दर्शन किए।
नेहरू जी उस समय उनके सामने थे, उनके पार्थिव शरीर के ऊपर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलकत्ता में पहुंचे, इलाहाबाद में पहुंचे तो इलाहाबाद में कमला नेहरू जो नेहरू जी के परिवार में थी उन्होंने उसका नेतृत्व किया, उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कलकत्ता पहुंचा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको श्रद्धांजलि दी और वो उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा कि ये भारत के युवा दधीची हैं। तो ऐसे जतेंद्रनाथ दास जी की आज शहादत दिवस है, आज उनकी शहादत पर हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं।